इस कहानी की शुरुआत में हम जेमिनी नाम के एक ग्रास हॉपर को देखते हैं, जो रात में भटकते हुए जेपेटो नाम के खिलौने बनाने वाले के घर में चला जाता है। वहां वो देखता है कि चारों तरफ खिलौने भरे पड़े हैं और वहीं जेपेटो एक लकड़ी का कठपुतली बना रहा होता है। वो इसे अपने मरे हुए बेटे की याद में बना रहा होता है और वो काफी उदास भी लग रहा था। अभी वो उस खिलौने को बना ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है। वहाँ पे एक आदमी था जो उसके दुकान की एक घड़ी को खरीदना चाह रहा था, पर वो उन घड़ियों को किसी को भी बेचता नहीं था क्योंकि उसने उन सबको अपनी वाइफ की याद में बनाया होता है और उसके जाने के बाद उसके पास उसकी निशानी के तौर पे सिर्फ वो घड़ियां ही थी। वो उस लकड़ी के खिलौने का नाम पिनोकियो रखता है क्योंकि उसने उसे पाइन की लकड़ी से बनाया था। थोड़ी देर पिनोकियो के साथ खेलने के बाद वो अपनी पालतू कैट फिगेरो के साथ सोने चला जाता है, पर सोने से पहले वो खिड़की से एक टूटते हुए तारे को देखता है और उससे अपनी कोई विश मांगता है और इसके बाद वो सो जाता है। पर तभी कुछ देर बाद उस खिड़की से ब्लू रोशनी आने लगती है जो उसके बेटे की तस्वीर से होते हुए पिनोकियो पर पड़ती है और देखते ही देखते पिनोकियो में जान आ जाती है, जिसे देखकर जेमिनी हैरान हो जाता है और वो जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि तुम बोल कैसे सकते हो, पर जेमिनी देखता है कि पिनोकियो उसकी बातों को रिपीट करके उसे बता रहा है। और तभी उस कमरे में एक ब्लू फेरी आती है और वो जेमिनी से कहती है कि जेपेटो ने सच्चे मन से एक मुराद मांगी थी जिसे वो पूरा करने आई है। और तभी वो देखती है कि पिनोकियो उसकी बातों को रिपीट कर रहा है, तो वो अपने जादू से उसे ठीक कर देती है और अब पिनोकियो पूरी तरह से बिल्कुल किसी लड़के की तरह बन गया था, बस उसका शरीर सिर्फ लकड़ी का था। पिनोकियो उस फेरी से पूछता है कि क्या वो असली लड़का बन गया है। इस पर ब्लू फेरी उससे कहती है कि तुम एक असली लड़के बन सकते हो, पर उससे पहले उसे साबित करना होगा कि वो एक सच्चा और अच्छा लड़का बनना चाहता है और इसके लिए उसे हमेशा अपनी जमीर की आवाज सुननी होगी और सही फैसले लेने होंगे। पर पिनोकियो को समझ नहीं आता है कि जमीर क्या चीज होती है, तो जेमिनी उसे बताता है कि जमीर उसके दिल से निकली हुई सच्ची आवाज को कहते हैं। पिनोकियो उससे कहता है कि क्यों नहीं तुम मेरी जमीर बन जाओ। ब्लू फेरी को उसकी बातें अच्छी लगती है और वो जेमिनी को अपनी पावर से पिनोकियो की जमीर बना देती है और उससे कहती है कि आज से वो पिनोकियो का गाइड बनकर रहेगा और उसे सच्चाई और बुराई में फर्क करना सिखाएगा। और इसके बाद वो ब्लू फेरी वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाते ही खिड़की की आवाज सुनकर जेपेटो जाग जाता है और वो उठकर देखने लगता है, पर तभी पिनोकियो उसे डैड कहकर बुलाता है। पिनोकियो को बोलता हुआ देखकर वो काफी हैरान होता है और डरने लगता है, पर किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए उससे पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पिनोकियो उसे बताता है कि जो उसने मुराद मांगी थी उसे ब्लू फेरी ने पूरा कर दिया है और वो एक असली बच्चा भी बन सकता है, बस उसे कुछ चीजें सीखनी है। जेपेटो उसे पाकर बहुत खुश होता है और वो उसे अपनी गोद में उठाकर डांस करने लगता है और इस तरह पिनोकियो जेपेटो की छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन गया और छोटी मोटी दिक्कतों को झेलते हुए वो एक खुशहाल फैमिली बन गए। पर कुछ दिन के बाद जेपेटो पिनोकियो से कहता है कि अब उसके स्कूल जाने का समय आ गया है और अगले दिन वो उसे स्कूल भेज देता है। पिनोकियो के वहाँ से जाने के बाद वहाँ एक बर्ड सोफिया आती है जिसे जेपेटो खाना देकर घर के अंदर चला जाता है। अंदर सो रहे जेमिनी को जब ये पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल जा चुका है तो वो जल्दी से घर के बाहर भागता है जहाँ उसे सोफिया मिलती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो स्कूल तक उसे जल्दी से पहुँचा सकती है। सोफिया उसे अपनी चोंच में पकड़कर ले जाती है और इसके बाद हम एक फॉक्स को देखते हैं जो स्कूल के बच्चों के साथ पिनोकियो को वहाँ से जाते हुए देखता है। एक जिंदा कठपुतली को देखकर उसे काफी हैरानी होती है और इसके साथ ही उसके शैतान दिमाग में पिनोकियो को पैसे के लिए सर्कस में बेचने का आइडिया आता है। वो जाकर पिनोकियो से बात करता है और उसे समझाता है कि वो सर्कस में काम करके फेमस हो सकता है और इससे उसके डैड भी बहुत खुश होंगे। पिनोकियो को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगती है और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी जेमिनी को लेकर सोफिया वहाँ पहुँच जाती है। वो पिनोकियो को उन सबसे बचाता है और उसे वहाँ से ले जाता है और उसे समझाता है कि उसे लालच में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, उसे अभी सिर्फ स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उसके डैड यही चाहते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों स्कूल के पास पहुँच जाते हैं। जेमिनी उसे स्कूल भेजकर वहीं रुक जाता है, पर कुछ देर बाद ही पिनोकियो को एक कठपुतली होने के कारण स्कूल से निकाल दिया जाता है। और तभी जेमिनी के पास वही दोनों फॉक्स आते हैं और वो उसे एक कांच के बॉटल में बंद कर देते हैं और फिर वो पिनोकियो के पास जाकर उसे सर्कस में जाने के लिए मनाने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये स्कूल उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी जगह तो वहाँ सर्कस में है जहाँ उसे सब लोग इज्जत देंगे। पिनोकियो उनके साथ चला जाता है। जेमिनी उसे चाहकर भी रोक नहीं पाता है और इधर जेपेटो बहुत देर तक पिनोकियो के घर न आने की वजह से बहुत परेशान होता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम स्टॉम्बोली नाम के एक सर्कस ऑनर को देखते हैं जो लोगों को आज पिनोकियो का शो दिखाने वाला था।
वहीं हम फेवियाना नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो पिनोकियो को तैयार कर रही होती है। वो उसे बताती है कि स्टोम्बोली एक लालची आदमी है और वो किसी की भी इज्जत नहीं करता है। और कुछ देर के बाद ही पिनोकियो का शो शुरू हो जाता है। वो वहाँ के बाकी के कठपुतलियों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा डांस करता है। वहाँ के सारे लोग एक बिना डोरी की कठपुतली को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। पिनोकियो अपने डांस में इतना खो जाता है कि उसके पैरों से आग निकलने लगती है। स्टोम्बोली ये देखकर जल्दी से उस पर पानी डालता है और आग को बुझाता है। सारे लोग उसके ऊपर पैसों की बारिश करने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद स्टोम्बोली पिनोकियो को एक पिंजरे में बंद कर देता है। पिनोकियो उससे कहता है कि उसे घर जाना है, पर वो उसे जाने नहीं देता है और पिंजरे का ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। पिनोकियो उदास होकर वहीं बैठकर रोने लगता है। इधर जेपेटो उसे ढूंढता हुआ उसके स्कूल के पास पहुंचता है, जहां अभी भी जेमिनी उसी बॉटल में बंद होता है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा होता है। स्टोम्बोली अपनी सवारी को लेकर वहां से जा रहा होता है, तभी फेबियाना छुपते हुए पिनोकियो के पास पहुंचती है और अपनी एक कठपुतली के जरिए उसे बताती है कि उसके पिंजरे की चाबी वहीं दीवार पर टंगी है और वो किसी भी तरह उसे वहां से जरूर निकाल देगी। पर तभी वहां पे स्टोम्बोली आ जाता है, पर तब तक फेबियाना वहां से भाग जाती है। स्टोम्बोली वहां की खिड़की को अच्छे से बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। जेमिनी ग्लास के अंदर बैठे बैठे उदास हो रहा था, तभी उसे वहां से स्टोम्बोली की सवारी आती हुई दिखाई देती है, जिसमें उसे पिनोकियो भी दिखाई देता है। और तभी एक पत्थर के लगने की वजह से उसके ऊपर का वो ग्लास का बोतल हट जाता है और वो भागते हुए पिनोकियो के पास पहुंचता है और उसे वहां से निकालने के बारे में कुछ सोचने लगता है। पर तभी पिनोकियो उससे कुछ झूठी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नाक लंबी होने लगती है और धीरे धीरे वो उस चाबी तक पहुंच जाती है। जेमिनी उस चाबी को ले लेता है और फिर पिनोकियो उससे कहता है कि उसने झूठ इसीलिए बोला ताकि वो उस चाबी को हासिल कर सके, वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था। तभी उसकी नाक वापस से छोटी हो जाती है और फिर वो दोनों वहां से निकलकर भागने लगते हैं। पर रास्ते में ही कोई टांगे वाला पिनोकियो को उठा लेता है। उसपे बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो टांगे वाला उसे बताता है कि वो लोग प्लेजर आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ वो पूरी मस्ती कर सकते हैं। कोई किसी को रोकने वाला नहीं होता, उन्हें जो मन करे वो वहाँ कर सकते हैं। जेमिनी भी उस टांगे के पीछे लटका हुआ होता है और कुछ देर के बाद ही वो सब प्लेजर आइलैंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सारे बच्चे मस्ती करने लगते हैं। वो वहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, उन्हें वहाँ पे कुछ भी करने से कोई मना करने वाला नहीं था। पिनोकियो लैम्पविक नाम के एक लड़के के साथ वहाँ मस्ती करने लगता है। वो देखता है कि वहाँ बच्चे बहुत तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं उसे ये सब पसंद नहीं आता है। इधर जेपेटो पिनोकियो को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा था, तभी उसके पास सोफिया आती है, जो उसे प्लेजर आइलैंड का एक पैम्पलेट दिखाती है। जेपेटो समझ जाता है कि पिनोकियो प्लेजर आइलैंड पहुंच चुका है, जिसे सोचकर ही वो बहुत डरने लगता है। इधर हम जेमिनी को देखते हैं, जिसे वहाँ उस आइलैंड पे दो खतरनाक डेमन दिखाई देते हैं, जो वहाँ के कुछ गधों को पकड़कर कैद कर रहे थे। जेमिनी हैरान था कि वहाँ पे इतने सारे गधे आए कैसे। इधर पिनोकियो लैम्पविक के साथ रूम में बैठकर खेल रहा होता है, तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ जेमिनी आता है, पर लैम्पविक अपने स्टिक से उसे जोर से मारता है, जिससे जेमिनी एक छोटी सी पाइप से होते हुए कहीं नीचे गिरता है, जहाँ उसे बहुत सारे वही डेमन्स गधों को कैद करते हुए दिखाई देते हैं। वो डर के मारे छुपने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो देखता है कि वो टांगे वाला उन गधों को कहीं बेचने की बात कर रहा है। तभी एक गधे को पकड़ते वक्त उससे एक रॉकेट निकलकर जेमिनी के पास गिरता है। इधर पिनोकियो लैम्पविक से बात करते हुए देखता है कि उसके कान अचानक से बड़े हो गए हैं और उसकी पूंछ भी निकल आई है, और अब तो उसका फेस भी एक गधे के जैसा हो गया था। वो बहुत ज्यादा डरने लगता है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से एक गधे के रूप में बदल जाता है। और तभी अचानक से पिनोकियो के कान भी बड़े हो जाते हैं और उसकी भी पूंछ निकल आती है। और तभी उस रॉकेट पे बैठकर वहाँ जेमिनी आता है और वो पिनोकियो को जल्दी से वहाँ से भागने को कहता है, पर तब तक वहाँ पे वो टांगे वाला अपने डेमन के साथ आ जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। पर पिनोकियो जेमिनी के साथ वहाँ से नीचे समुद्र में कूद जाता है और वहाँ से तैरते हुए वो बाहर जाने लगते हैं। पिनोकियो और जेमिनी किसी तरह अपने घर पहुँचते हैं, पर वो देखते हैं कि जेपेटो घर पे नहीं है। और तभी सोफिया आकर उन्हें बताती है कि जेपेटो उसे ढूंढने के लिए प्लेजर आइलैंड की तरफ गया है। और इसके बाद वो दोनों सोफिया के सहारे उस दिशा में जाने लगते हैं जिधर जेपेटो गया था। और कुछ देर के बाद ही उन्हें जेपेटो की बोट दिखाई देती है, वो उन्हें आवाज देने लगते हैं। जेपेटो पिनोकियो को अपनी ओर आता हुआ देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बोट को उनकी तरफ मोड़ देता है। पर जैसे ही वो एक दूसरे के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी बोट के साथ ही एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर निकल जाता है। जेमिनी और सोफिया तो बच जाते हैं, पर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं
अंदर पिनोकियो जेपेटो से मिलकर बहुत खुश होता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढने लगते हैं। पिनोकियो अपने पैरों को जोर से रगड़कर आग निकालता है और वहाँ पे पड़ी लकड़ियों से वो लोग आग जला देते हैं और उसकी वजह से वहाँ बहुत धुआं होने लगता है। और तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और वो सब अपनी बोट पे बैठकर उस मॉन्स्टर के मुंह से किसी तरह बाहर आते हैं, पर इसमें उनके बोट के दो टुकड़े हो जाते हैं और जेपेटो पानी में गिर जाता है। पर किसी तरह पिनोकियो उसे बचाकर अपने टूटे हुए बोट पर लाता है। वहाँ पे जेमिनी भी आ जाता है, पर तभी वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उनका पीछा करने लगता है। पर पिनोकियो जोर से अपने पैरों को चलाते हुए बोट को किनारे की तरफ ले जाने लगता है और वो उन सबको बचाकर किनारे आइलैंड पे ले आता है। पर वहाँ वो देखता है कि जेपेटो मर चुका है। इससे दुखी होकर पिनोकियो रोने लगता है और उसकी आँख से आंसू निकलकर जेपेटो पर पड़ती है और वो वापस से जिंदा हो जाता है। वो उठकर तुरंत पिनोकियो को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि अब उसे एक असली लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि वो जैसा भी है उसे वो वैसा ही पसंद है। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।